फादर डे के मौके पर एक पिता ने अपनी ही बेटी को दिया मौत का तोहफा। जी हाँ, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट इलाके के कंछावला थाने के अंतर्गत एक मामला सामने आया जिसमें एक पिता ने ही अपनी बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी, और ये पूरा वारदात जो है फादर डे वाले दिन ही घटित। आपको बता दें, बेटी और पिता के बीच अनबन चल रही थी, अनबन इन बातों की कि बेटी का किसी एक शख्स के साथ अफेयर था और पिता उसे बार बार उसके पास जाने से रोका था, लेकिन बेटी नहीं मानती थी। मुजफ्फरपुर बिहार से रहने वाले ये लोग, ये परिवार है और यहाँ प्रेमनगर में रहता है। पिता ने बेटी को मुजफ्फरपुर से बुलाया और कुछ अपने पास रखा। जब बेटी नहीं मानी तो पिता ने करी कैब कर कर उसे कंछावला लेके जाता है और वहां पर उसकी गला रेत कर हत्या कर देता है। आइए इस पूरे मामले पर डीसीपी रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। कल 9 बजे के आसपास रात को पुलिस स्टेशन कंझावला एरिया में पीसीआर कॉल के जरिए इत्तला मिलती है कि चांदपुर गांव के खेतों में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और पूछताछ से इनिशियली पता चला हमें एक कैब थी जिसमें कुछ शख्स बैठ के आए थे और ये लड़की भी उनके साथ बैठी थी, और बाद में लोगों ने ये बताया कि उसके बाद एक शख्स को वहां से खेतों से भागते हुए देखा गया। और इसमें हमने इमिडिएटली केस रजिस्टर किया रेलिवेंट सेक्शंस में, और मल्टीपल टीम्स बनाई गई पुलिस स्टेशन बेगमपुर, पुलिस स्टेशन कंझावला की और स्पेशल स्टाफ की। इसमें हमने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए विद इन 12 आवर्स हमने जो एलेज था उसको हमने नैब कर लिया है, और उसने अपनी क्वेश्चनिंग में ये जो बताया एलेज जो नंद किशोर है कि ये जो लड़की थी वो उसकी सगी बेटी थी जिसको उसने मारा, और उसकी वजह उसने जो बताई कि ये लड़की जो ये बेसिकली ये इनकी जो फैमिली है मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती है, और वहाँ पे इस लड़की का किसी दूसरे जाति के लड़के के साथ कुछ कांटेक्ट में थी, उसके साथ बात करती थी जो इन फैमिली को गवारा नहीं था, जिस वजह से उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और इस वजह से फादर ने जो है लड़की को मर्डर कर दिया। कैसे मार, लड़की की उम्र कितनी है, कैसे भेजा और कैसे मारा? लड़की की उम्र अराउंड 21 साल के आसपास है, 21-22 साल, और जो फादर है वो कुछ सालों से दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में ही वो ग्लास फिटिंग का काम करता है और अगर नगर प्रेमनगर का रहने वाला है वो। उसका एक बेटा भी है, बड़ा बेटा, वो नरेला में रहता है। तो इसने एक कैब हायर की थी, जो कैब को लेकर ये गया वहां पे, आपको समझाना है, बात करनी है, तो समझाने के नाम पे ये बोला कि हमारे घर जा के बात करते हैं। तो फिर अकॉर्डिंगली इसने प्लान किया और रास्ते में उतर गया था कैब से ये कंझावला में, तो वहां पे इसने फील्ड्स में ले जाके उसको गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। सर, कैब कहाँ से आई थी और क्या कैब को अरेस्ट कैब वाला हमने डिटेन किया हुआ है और कैब को भी हमने कब्जे में ले लिया है। कैब जो की थी इसने अपने घर से ही की थी, और उसके कांटेक्ट में ये पास्ट में रहे थे। एज सच उसका रोल डायरेक्टली मर्डर में अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है, बट इट इज ओपन टू इन्वेस्टिगेशन। कोई भी रोल आता है उसका डेफिनेटली, क्योंकि अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। सर, ये क्या काम करता है और ये कितने बच्चे थे और ये कौन से नंबर की लड़की? जो एलेज्ड नंद किशोर है इसके 3 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा था जो नरेला में प्राइवेट एक फैक्ट्री में काम करता है, और 2 बेटियां, ये सबसे छोटी बेटी थी और एक बड़ी बेटी है, उनकी वाइफ जो है वो मुजफ्फरपुर बिहार किसी है। इनिशियली हमें ये ब्लाइंड केस था बिल्कुल, तो हमें पता नहीं था लड़की की आइडेंटिटी वगैरह का, बट जैसे जैसे हमने आगे की आगे क्लूज जोड़े और पता चला कैब कौन सी थी, कैब से फिर पता चला कि कौन सी सवारी को वो कैब वाला लेकर आया था। अकॉर्डिंगली फिर जब हम उस एलएस तक पहुंचे, अकॉर्डिंगली बाद में हमें क्लियर हुआ कि इसके बच्चे थे जिसमें एक लड़की जो थी वो 3rd नंबर वाली, ये वो लड़की थी डिजीज। हत्या को कैसे अंजाम दिया? हत्या को इसने अपना जो ग्लास फिटिंग का काम करता था, ये इसके पास एक पेपर कटर ये रखता ही था, तो उस पेपर कटर से इसने लड़की को उसको उसका मर्डर किया। नहीं, लड़की के भाई को जानकारी के बारे में अभी इनिशियल स्टेजेस पे इन्वेस्टिगेशन, अभी तक हमारे कोई इन्वेस्टिगेशन में ऐसी बात नहीं आई है,
बट अगर कुछ आता है आई विल डेफिनेटली अपडेट। सर आपने बताया कि लड़की को और उसके फादर ने बुलाया, क्या लड़की अपने फादर के पास रहती थी? हाँ, लड़की जो थी वो मुजफ्फरपुर बिहार में रहती थी, जो इनिशियली हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है। और वहीं पे जैसे ये किसी लड़के के कॉन्टेक्ट में थी, जब फादर को पता चला तो इन्होंने इसको दिल्ली बुला लिया था समझाने के लिए, और कुछ टाइम के लिए दिल्ली में रह रही थी कुछ महीने से, और अकॉर्डिंगली फिर फादर ने प्लान किया। कितने टाइम से चल रहा था अगर लड़की का पेयर जॉब? एज पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बोला है कि फ्यू इयर्स हो गए थे जो इनको पता चला कि किसी गांव वालों से पता चला कि कुछ कॉन्टैक्ट है लड़की का किसी के साथ। तो बाकी हमारी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसी भी और सामने आती है डिटेल। भाई के रुकी हुई थी अपने पिता के पास? इनिशियली तो ये अपने भाई के पास रुकी हुई थी, और बाकी बीच में फादर भी मिलता रहता था इनको, जो उसने अपनी क्वेश्चनिंग में बताया। अरेस्ट जो हमने मल्टीपल टीम्स लगाई गई थी, और इसकी जहाँ पे ये अगेन आई एम सेइंग कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और जब तक वो सारा कुछ फाइल देख के आपको ही बता पाऊंगा कि एग्जैक्ट क्या है क्या नहीं, बट पहले से ही उसको अरेस्ट किया गया है, बट वो भागने की फिराक में था इतना मैं आपको बता सकता हूँ। आपने सुना रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब को, जिन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए 12 घंटे के अंदर अंदर इस मामले को सुलझा दिया, और कंझावला थाने सहित स्पेशल स्टाफ का भी इस पूरे मामले में बड़ा योगदान रहा। ये पूरा मामला जो है वो आपने सुना देखा, और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मुकुल, न्यूज़ 1 दिल्ली के लिए।